दोस्तों रनिंग एक साधारण सी एक्सरसाइज है, लेकिन इसके इतने अद्भुत फायदे हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, लेकिन सिर्फ रनिंग करके आप अपने शरीर को हेल्दी और फिट बनाए रख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम रनिंग से होने वाले फायदे के बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फायदा नंबर एक, जब भी आप रनिंग करते हैं तो इससे आपकी टांगों पर यानी आपके लेग मसल्स पर प्रेशर पड़ता है, साथ ही आपके कोर मसल्स पर प्रेशर पड़ता है, आपके ग्लूट्स पर, आपकी हैमस्ट्रिंग पर अच्छे से प्रेशर पड़ता है, जिससे आपकी लोअर बॉडी अच्छे से ट्रेन होती है, आपकी टांगें मजबूत बनती है। इसी के साथ जब भी आप रनिंग करते हैं तो आपकी कोर मसल्स भी ट्रेन होती है, आपके एब्डोमिनल मसल पर अच्छे से प्रेशर पड़ता है, क्योंकि रनिंग करते वक्त आपको अपने बॉडी को स्ट्रेट रखना होता है। फायदा नंबर दो, देखिए आजकल काफ़ी लोग अपने मोटापे से परेशान है, अपने वजन बढ़ने के कारण परेशान है, लेकिन अगर आप आज से ही रनिंग करना शुरू करते हैं तो इससे आपकी कैलोरीज ज़्यादा मात्रा में बर्न होगी, और जितना ज़्यादा आपकी कैलोरीज बर्न होगी उतने ही तेज़ी से आपका वजन कम होने लगेगा। क्योंकि एक स्टडी के हिसाब से अगर आप केवल एक मिनट रनिंग करते हो तो इससे आपकी 11 कैलोरीज बर्न होती है, जबकि एक मिनट वॉकिंग से सिर्फ 6 कैलोरीज ही बर्न होती है। इसलिए अगर आप अपना मोटापा कम करना चाहते हैं तो वॉकिंग के बजाय रनिंग करना शुरू कीजिए। फायदा नंबर तीन, हमारे पूरे बॉडी को प्रॉपर काम करने के लिए हमारा ब्रेन और हार्ट सही से काम करना जरूरी है। तो रनिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारे दिल को सेहतमंद बनाए रखती है, हमारे हार्ट को हेल्दी रखती है, और हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। और जब आप चलने के बजाय रनिंग करना शुरू करते हैं तो इससे आपका हार्ट आपके सभी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करना शुरू कर देता है, जिससे कि आपके शरीर में ब्लड पंप अच्छे से होने लगता है, और इससे आप कई सारी बीमारियों से दूर रहते हैं। फायदा नंबर चार, देखिए आजकल लोगों में शारीरिक कमजोरी आने लग गई है, यानी कई लोग ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा बहुत काम करते ही बहुत जल्दी थकने लगते हैं, अपने शरीर में कमजोरी महसूस करते हैं, थकावट महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका स्टेमिना लेवल काफ़ी कम होता है। तो अगर आप रनिंग करना शुरू करते हैं तो इससे आपके शरीर में स्फूर्ति आने लगती है, आपका शरीर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होने लगता है, आपका स्टेमिना लेवल कई गुना बढ़ने लगता है। फायदा नंबर पाँच, दोस्तों लाखों लोग साल में कभी ना कभी छोटी मोटी बीमारी का शिकार तो हो ही जाते हैं, यानी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है। लेकिन अगर आप रनिंग करना शुरू करते हैं तो इससे आपका शरीर काफ़ी एक्टिव रहता है, आपके बॉडी के अंदर नए नए एंटीबायोटिक्स बनने लगते हैं जो कि आपके शरीर में बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं, यानी कि सीधा कहे तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है, आपके शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ने लगती है। फायदा नंबर छः, देखिए जब भी आप रनिंग करते हैं तो इससे आपकी लेग मसल्स पर अच्छे से प्रेशर पड़ता है, आपकी टांगों पर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और जिससे कि आपके लेग मसल्स पर प्रेशर पड़ने की वजह से आपका HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ने लगता है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है, और इन दोनों ही हार्मोन के बढ़ने से आपके ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ होती है। अगर आपका वजन नहीं बढ़ रहा तो आपका वजन बढ़ने लगता है, आपकी हाइट तेज़ी से बढ़ने लगती है, आपके बॉडी में मसल मास इंक्रीज होता है। फायदा नंबर सात, देखिए जब भी हम हेल्दी लाइफ और फिटनेस की बात करते हैं तो उसमें आपकी नींद यानी आपकी स्लीप का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी कि एक अच्छी नींद हर एक इंसान के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन अक्सर लोग अपने हेक्टिक लाइफस्टाइल की वजह से हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, और इससे आपको अपनी नींद में दिक्कत आती है, आपको एक चैन की नींद नसीब नहीं होती है। लेकिन अगर आप रोजाना रनिंग करते हैं तो इससे आपको एक चैन की नींद मिलती है, क्योंकि रनिंग करने से आपका कोर्टिसोल लेवल कम होने लगता है, आपका स्ट्रेस कम होने लगता है,